दोस्त दोस्त एक ऐसा चोर होता है जो आंखों से आंसू, चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी, जिंदगी से दर्द और बस चले तो हाथों की लकीरों से मौत को चुरा लेता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस्म के दोस्त आपको बनाने चाहिए। इस दुनिया में, इस संसार में हम अक्सर ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं जो जिंदगी में हमें हमेशा लेट डाउन करते हैं। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो सही नहीं होते, जो बुरे होते हैं, जिनसे हम हमेशा गलत चीज़ सीखेंगे। फिर चाहे वो विश्वासघात करना हो, गलत कार्य करना हो, या फिर अपनी बर्बादी का गड्ढा खुद खोद लेते हैं गलत दोस्त से दोस्ती करके। और ये मित्रता हमें अक्सर भारी पड़ती है, क्योंकि यकीन मानिए जितना हम ऐसी मित्रता के साथ घुसते हैं उतना ही हमारा नुकसान होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस किस्म के तीन दोस्त कभी मत बनाइए। जिनके अंदर ऐसी हरकतें हो उन दोस्तों से अपनी कन्नी काट लीजिए, क्योंकि यकीन मानिए यही आपके विनाश का कारण बनेंगे अगर आप इनके साथ रहेंगे तो। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि जिंदगी में जिस मित्र पे आपको भरोसा हो उस पे भी कभी पूर्ण तरीके से भरोसा ना करें, क्योंकि अक्सर मित्रता के पीछे कई बार स्वार्थ छिपा होता है। बहुत से लोगों का अपना स्वार्थ होता है, बहुत से लोगों को सिर्फ मित्रता से मिलने वाले प्रेम का भी स्वार्थ होता है। ऐसे मित्र ही आपके असली मित्र होते हैं। अब बात करता हूं करेक्टर की। दोस्तों सबसे पहला गुण होना चाहिए करेक्टर। इंसान का अगर करेक्टर अच्छा नहीं है तो यकीन मानिए उस दोस्त का आपको कोई फायदा नहीं है। एक लड़का था साहिल नाम का, उसका एक बहुत करीबी दोस्त था। वो अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बचपन से उसको बहुत अच्छा दोस्त समझता था। स्कूल में दोनों साथ पढ़े हुए थे, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी, बिल्लू रंगा के जैसी, जो बिल्लू रंगा की कहानियाँ हमने सुनी है। और कुछ दिनों बाद उसने देखा साहिल ने कि मेरे दोस्त की हरकतें थोड़ी वियर्ड होती जा रही हैं, बहुत गलत हरकतें करता है, हर लड़की को देख के कुछ ना कुछ कमेंट पास करता है, कुछ ना कुछ बोलता है या बोलता है, देख कैसी कितनी सुंदर लग रही है, देख कैसी लग रही है, मैं इससे बात कर लूँ, मेरे से पट जाएगी क्या। साहिल उसके इस बिहेवियर से थोड़ा सा अपसेट था कि यार ये ऐसी बातें क्यों करने लगा है। और जैसे जैसे साल बीतते गए उसके अंदर का ये जो जिसे कहते हैं ना घटिया इंसान, करेक्टरलेस इंसान और ज़्यादा बाहर निकलने लगा। एक दौर था जब साहिल अपने दोस्त को अपने घर बुला के वीडियो गेम खेला करता था, मगर कुछ टाइम बाद उसने अपने दोस्त से कन्नी काट ली। क्यों? क्योंकि साहिल की एक बहन थी और साहिल को पता था कि मैं जो संसार की सारी लड़कियों पे इतने कमेंट करता है तो मेरी बहन के बारे में मैं निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ सोचता होगा, कुछ ना कुछ बोलता होगा या फिर किसी और को जाके बोलता होगा। ऐसे मित्र से साहिल ने कन्नी काट ली। और यही संसार का नियम है, जिसका करेक्टर अच्छा नहीं होता, जो इंसान अच्छा करेक्टर का नहीं होता उससे हर कोई कन्नी काट लेता है, कोई भी उसके साथ रह के राजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग आप उठ बैठ नहीं सकते, ऐसे लोग फैमिली के लोग नहीं होते और ऐसे लोग हमेशा नुकसान देते हैं। दोस्तों दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जिनसे आपको कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, वो होते हैं नेगेटिव किस्म के लोग। एक तुषार नाम का लड़का था, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसे सबसे प्रॉब्लम होती थी। वो अपने दोस्तों से मिलता तो हमेशा यही दूसरों की बुराई करता, कभी पॉलिटिक्स में बुराइयां करता, कभी आसपास के लोगों की बुराई करता, कभी अपने माँ बाप की बुराई करता, उसको हर किसी से प्रॉब्लम थी। स्टार्टिंग में सब उसके दोस्त बनने पसंद करा, सबको उसको वो बहुत अच्छा लगा। जब वो पहली बार कॉलेज में गया, स्कूल में भी गया, सब उसको बहुत पसंद करने लगे। मगर धीरे धीरे एक दिन जो उसका एक बहुत खास दोस्त था जिसका नाम सौरभ था, उसने एक बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन करी। उसने देखा कि जब वो जितने टाइम तक वो तुषार से दूर रहता है उतने टाइम तक उसकी लाइफ में बहुत सक्सेस आती है, मगर जब वो तुषार के साथ ज़्यादा घूमता फिरता है, ज़्यादा बातचीत करता है तो उसका बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। सौरभ ने तुषार के इस नेचर को बहुत अच्छे से पहचान लिया और वो समझ गया कि नेगेटिव इंसान है और तुषार से उसने दोस्ती तोड़ दी। दोस्तों इस दुनिया में जो नेगेटिव बातें करता है, जो घटिया बातें करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ में मीन मेक निकालते हैं, मोहल्ले की आंटी की तरह हर किसी में मीन मेक निकालते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, मैं अच्छी जॉब नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को अच्छी जॉब मिली नहीं, तेरी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत ख़राब है। अक्सर ऐसे लोग किस्मत को लाना देते हैं। इस किस्म के दोस्त से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए।
क्योंकि यकीन मानिए नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, वो आपको नकारात्मक ऊर्जा सारी जिंदगी देते रहेंगे। आप सोचिए, आप कोई नई जॉब के लिए गए हैं और आपकी नई जॉब पे भी आपकी नई जॉब में प्रॉब्लम्स आ जाए, आपसे ऑफिस के कोलीग्स बात ना करें, आपसे आपके जो बने बनाए काम है वो बिगड़ जाए, यही है नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में करते हैं। नेगेटिव लोगों से दोस्ती कभी मत करिए, ये आपकी लाइफ में हमेशा संकट ही लाएंगे। दोस्तों, तीसरे किस्म के वो लोग हैं जो ब्यूटी के पीछे भागते हैं। इसमें शामिल होती है आपकी गर्लफ्रेंड, इसमें शामिल होता है आपका बॉयफ्रेंड, इसमें शामिल होता है आपका वो दोस्त जो हमेशा ऐसी लड़कियों के बारे में बात करता है, यार कितनी सुंदर है, इसी को मैं पटा लूं, ये मेरे से मिल जाए, ये मेरे से बात कर ले। एक सान्या नाम की लड़की थी, हमेशा वो ऐसे लड़कों से ही बात करती थी जो हाइट में लंबे होते थे। वो कहती थी जो जिनकी हाइट 5'8" से कम है वो तो मेरे सारे भाई हैं। दोस्तों, ऐसे उसने अपनी सारी जिंदगी बिताई। वो हमेशा लंबे लड़कों को डेट करती थी, लंबे लड़कों के साथ घूमना फिरना पसंद करती थी। अपने दोस्तों को भी कई बार उलाहना दे चुकी थी कि तुम कितने छोटे दिखते हो, तुम तो मेरे सारी जिंदगी दोस्त रहोगे। बहुत ज्यादा घमंड आता गया। एक टाइम आया जब उसके माँ बाप ने बोला, सान्या हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। उसने कहा नहीं, मैरिज नहीं करूंगी, मैं लव मैरिज करूंगी, मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ, मैं लव मैरिज करूंगी। उसने काफी टाइम तक लड़के ढूंढे मगर उसे नहीं मिला। डिस्पाइट ऑफ गुड लुकिंग लुक्स, उसको फिर भी लड़का नहीं मिला। जानते क्यों? क्योंकि वो घमंडी बहुत थी, वो अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं थी। जैसे तैसे दिन बीतते गए, वो जब 30 साल की हो गई तो उसके माँ बाप ने कहा, तुझे कोई लड़का नहीं मिल रहा, क्या हो, कह रहा है तू तो बहुत खूबसूरत है, फिर क्या दिक्कत आ रही है। सान्या बहुत परेशान होने लगी। उसे लगने लगा, यार मैं इतनी खूबसूरत होके भी मेरे को लड़का नहीं मिला। फाइनली उसने हार के अपने माँ बाप को बोल दिया कि पापा मम्मी आप जैसा लड़का ढूंढेंगे मैं शादी कर लूंगी, आप ढूंढ दो। सान्या की सारी जिंदगी की चाहत थी कि उसे लंबी हाइट का लड़का मिले, मगर उसकी डेस्टिनी ने उसके लिए 5'8" 5'7" के दिया और उससे खुशी खुशी शादी करी। और अब उसे चाहते हुए या ना चाहते हुए खुश रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने शादी खुद से कर ली है, खुद की रजामंदी से कर ली है। उसके पेरेंट्स ने थोड़ा सा दबाव करा और उसने सोचा चलो शादी कर लेता हूँ। समहाउ शी इज हैप्पी, खुश है वो, बट अंदर ही अंदर एक मलाल जरूर है कि मैं इतनी घमंडी क्यों रही, जिंदगी के 30 साल मैंने घमंड में बिता दिए ये सोच सोच के, और अंत में मेरी शादी किसी छोटी हाइट के लड़के से ही हुई है। कितने लड़के मैंने रिजेक्ट करे, किसी 5'9" से ही कर लेती, ये सोच के सान्या की लाइफ खत्म भी हुई, सोच के कि लंबा लड़का नहीं मिला, बट खुश है, ठीक है। इसे कहते हैं डेस्टिनी। दोस्तों, कई बार हम दुख में भी खुश हमें रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक गलत चुनाव, एक गलत तरीके से चुनाव हमें जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसलिए सान्या जैसा दोस्त कभी मत बनाइए जो आपको लाइफ के अंदर हमेशा खूबसूरती के पीछे भागती हो। जो लड़की ऐसी लड़की के साथ ना रहे, जो इंसान खूबसूरती के पीछे भागेगा एक ना एक दिन वो आपको भी आपकी खूबसूरती ढलने के बाद छोड़ के चले जाएगा। ऐसे दोस्त से दोस्ती ना करें, गर्लफ्रेंड ना बनाए, उसके साथ ना रहे, नहीं तो खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।